लास्ट पार्ट ऑन पेपा पिग। अरे गाइस ये बात तो मुझे जल्दी जाके फंटास्टिक को बतानी पड़ेगी। तो गाइस मुझे बेबी बॉस ने बताया कि आपको लास्ट एपिसोड चाहिए पेपा पिग का। लेकिन गाइस मैं आपको पेपा पिग का लास्ट एपिसोड बताने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस इस इमेज में आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो कि पेपा का पूरा परिवार जो है गाइस बाहर है। तो गाइस घर के अंदर आखिर है कौन, जो कि बिल्कुल पेपा के परिवार की तरह ही दिख रहा है। और गाइस मैं आपको बता दूं ये कोई भी एडिटिंग नहीं है, ये रियल में गाइस एक एपिसोड के अंदर हुआ था। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट एपिसोड के अंदर इस मिस्ट्री का भी आंसर है। तो गाइस मुझे आपकी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस इस वीडियो पे मैं टारगेट करता हूँ 100 लाइक। और गाइस जितने भी बंदे लाइक करेंगे सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो गाइस आप लोगों को ये तो पता होगा कि पेपा पिग का एक भाई है जिसका नाम है जॉर्ज, जो कि काफी ज्यादा क्यूट है। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि पेपा पिग का सिर्फ एक भाई नहीं, उसकी एक बहन भी है जो कि बिल्कुल पेपा की तरह दिखती है। मतलब वो पेपा की जुड़वा बहन है, लेकिन उसकी जुड़वा बहन बिल्कुल उसी की तरह नहीं है। मतलब थोड़ी सी पागल और काफी ज्यादा डेंजरस है, जो कि किसी को भी मार सकती है क्योंकि उसे लोगों को मारने में मजा आता है। इसी वजह से डॉक्टरों ने कहा था कि इसको मार दो क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है आगे जाके। लेकिन गाइस पेपा की मम्मी उसके डॉक्टर की भी बात नहीं मानती और उसे वो अपने घर पर ले जाती है। पेपा की मम्मी उसे एक कमरे के अंदर कैद कर देती है और उसे खाना देती रहती है। पेपा और जॉर्ज को आज तक नहीं पता कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है। लेकिन गाइस एक बार जब उसकी मम्मी उसे खाना देती तो वो गलती से उसका गेट खुला छोड़ देती है। मुझे तो लगता है गाइस ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी और शायद आखिरी भी। मैंने गाइस आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक है, उसे लोगों को मारने में काफी ज्यादा मजा आता है। जैसे ही वो कमरे के बाहर आती वो सबसे पहले तो घर को देखने लग जाती है और उसे किचन के अंदर एक चाकू मिल जाता तो वो चाकू को उठा के अपने हाथ को काटने लग जाती है। लेकिन उसकी नजरें पेपा की मम्मी पापा पर पड़ जाती हैं। वो दोनों सो रहे होते हैं इसीलिए गाइस वो उन्हें बहुत आसानी से मार देती है। इतना ज्यादा शोर हो रहा था कि जॉर्ज और पेपा दोनों अपनी नींद से उठ के नीचे आते हैं। जैसे ही वो नीचे आते वो देखते हैं कि उसके मम्मी पापा मर चुके हैं। जैसे ही पेपा और जॉर्ज उसका डरावना चेहरा देखते वह दोनों वहां से भागते हैं। लेकिन गाइस जो हमारा जॉर्ज है गाइस वो काफी ज्यादा स्लो भाग रहा था इसीलिए वो उसको पकड़ लेती है। पेपा की बहन जॉर्ज पर हमला करने वाली होती तभी जो हमारी पेपा वो उसको धक्का दे देती। जॉर्ज तो वहां से भाग जाता है लेकिन गाइस वो पेपा को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। उसके बाद जॉर्ज को अपने पापा के कमरे के अंदर एक पिस्टल मिलती है। जॉर्ज उस पिस्टल से गाइस वो डेंजरस और पागल बहन को मार देता है। जॉर्ज का परिवार तो नहीं बच पाया लेकिन गाइस जॉर्ज बच गया, वो भी अपनी बहन के वजह से। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर देना।